नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाज माइंड गीता में। चलिए भी बताओ, तुम क्यों इंटरेस्टेड हो गीता में? गीता मैंने कभी पढ़ी नहीं है। ऐसे तो बहुत कुछ नहीं पढ़ा, रामायण नहीं पढ़ा तुमने, बट गीता इतनी कॉमनली हमारी जिंदगी में बोली जाती है ना, उसका रेफरेंस दिया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है, और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस कभी कभी कहीं कुछ स्टेटमेंट्स सुने हैं, इसलिए मैं गीता को थोड़ा सा जानना चाहती थी। और अभी तक मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली है जिसमें कि गीता को बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है तुम्हारे पति जैसा नहीं जिसने समझाया हो गीता को बहुत अच्छे से, एक अलग पर्सपेक्टिव गीता के ऊपर दिया हो। यूं तो बहुत कुछ बहुत लोग बोलते हैं। अभी हम लोग कृष्ण की एक बड़ी खास चीज को, वो लोग नहीं, हमारे बच्चे आजकल की यूथ जानना चाहती है, पैशन। अभी सुबह हम लोग वीडियो बना रहे थे, बच्चों को कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनका करियर कैसे चूज करें, कहीं ना कहीं उसी चीज़ को कृष्ण ने आज कवर किया है गीता में। इफ़ अ मैन प्लेज नो पार्ट इन द एक्ट दस अपॉइंटेड, हिज लिविंग इज ईवल, हिज जॉय इज लस्टिंग। कुछ ऐसा है कृष्ण की समझ के हिसाब से कि इस पूरी दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई रोल है, इसको हम कह सकते हैं पर्पस है। जैसे आम के पेड़ का हर एक पार्ट किसी न किसी वजह से बना हुआ है। तो हम जानते हैं बायोलॉजी में पत्ते किस लिए हैं, जड़ किस लिए है, आम का फल किस लिए है, फल किस लिए है, आम के फल के अंदर बीज होता है, right? बीज से दूसरा पेड़ बनेगा इसलिए है। तो अगर उस बीज को हमने खा लिया, मतलब आम को खा लिया, और उस बीज का पेड़ नहीं बना, हमने फेंक दिया ऐसे ही, तो क्या उस बीज ने अपना पर्पस सॉल्व किया या फुलफिल किया? ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन या ऐसे ही कुछ ट्रूथ है हमारे बारे में भी। अगर हमने अपना पर्पस फुलफिल नहीं किया तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और खाली इतना ही नहीं, कृष्ण कहते हैं तब ऐसे आदमी को आप कह दो कि वो आदमी लस्टफुल जिंदगी जी रहा है, बस सेंसेस के साथ अपने आप को एंजॉय करा रहा है और कुछ नहीं, और खाली इतना ही नहीं, कहते वो ईविल जिंदगी जी रहा है। स्ट्रॉन्ग वर्ड है ईविल। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे आप अपने बच्चों को कहती हो ना कि जाओ नहाओ, तैयार हो जाओ, ऐसे कहीं ना कहीं कृष्ण थोड़ा सा स्ट्रांगली चाहते हैं अर्जुन को कि आलसी मत हो, अपने दिमाग के इनर्शिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नो दिस ओ प्रिंस, लाइफ इज फॉर नथिंग, हिज लाइफ। और जो आदमी इसको, कृष्ण कहते हैं जो आदमी इसको नहीं जानता, उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है, जीरो है। अब भगवान जैसे आदमी के मुंह से ऐसे बात सुनने में बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि वो तो दया निधान है, वो तो बेचारे हर इंसान को देने की कृपा करने वाले और वो सब चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है अगर कोई दिन कोचिंग सेंटर चालू कर दिया कृष्ण ने, तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी पढ़ने में। वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है वो चाहते हैं, सीरियसली नहीं, बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी का मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है, तो फिर आप वेस्ट करें अपनी लाइफ। बट वेन अ मैन हैज़ फाउंड डिलाइट एंड सेटिस्फैक्शन इन द पीस ऑफ आत्मन, देन ही नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन उठता है आगे। मान लो मैं एनलाइटेंड हो गया, अभी हम लोग गए थे नीम करोली बाबा के यहाँ, वो एनलाइटेंड हो गए, उसके बाद क्या करना चाहिए? उनकी लाइफ का भी कोई पर्पज़ है, तब भी कुछ करना चाहिए कि काम खत्म पूरा हो गया? जैसे स्कूल में किसी बच्चे को होमवर्क दिया गया है, होमवर्क पूरा हो गया, अब वो क्या करे? दूसरे बच्चे को परेशान करे? नहीं, जो बच्चा अपना होमवर्क कर लेगा, अगर वो सीरियस होगा तो वो आगे अपने आप पढ़ेगा, इस चीज़ की वेट नहीं करेगा कि कोई टीचर आए पढ़ाए, आगे काम हो, आगे की यात्रा चालू कर देगा। सबसे पहले तो उसको भी डेफिनेशन दिया है कि कौन है जिसको आप एनलाइटेंड कहेंगे। जो आदमी अपनी आत्मन में, अपनी प्रेजेंट स्टेट में पीस और सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, उसको कुछ भी चाहिए नहीं अपने आप को खुश रखने के लिए, और उसके पास से कुछ भी छिन जाए तो डिस्टर्ब नहीं होता, उसी को कृष्ण कहते हैं पीस ऑफ आत्मन। ऐसा आदमी के लिए कुछ भी करने के लिए वो ऑब्लाइज्ड नहीं है। उसके लिए कृष्ण नहीं कह रहे कि तुम्हें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ही हैज़ नथिंग टू गेन इन दिस वर्ल्ड बाई एक्शन एंड नथिंग टू लूज बाई रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्शन। और ऐसे आदमी को इस दुनिया में कुछ करके कुछ पाने को नहीं रह गया, और अगर वो कुछ छोड़ देता है, मान लो उसके पिता ने, उसके फैमिली ने, उसके सोसाइटी ने कुछ काम दिया और वो नहीं करता है,
तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। एक्शंस करके कुछ पाने के लिए नहीं है उसके पास, और एक्शंस छोड़ करके उसके पास कुछ खोने को नहीं है। सच पूछा जाए तो ऐसा ही आदमी फ्री है, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी एंड एवरीथिंग। और ऐसा आदमी सच पूछिए तो हर इंसान से और हर चीज से इंडिपेंडेंट है। कृष्णमूर्ति बार बार बोलते हैं कि हम अपने आप को रिलेशनशिप में, चीजों के रिलेशनशिप में ही खुद को जानते हैं। और ऐसा आदमी हर चीज के साथ अलग है और फिर भी हर चीज के साथ कनेक्टेड है। लेकिन बेचारा अर्जुन तो उस हालत में है नहीं। तो अर्जुन के लिए या हमारे और आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ये है कि अपनी ड्यूटी करो लेकिन अटैचमेंट के बिना। ये कैसे होता है अटैचमेंट के बिना ड्यूटी करना, ये सवाल है। गीता में बोलते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसमें मुझे थोड़ा सा हेल्प मिली है जिनोगा से। जो भी एक्टिविटी करो उसके बाद अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को देखो कि क्या हैंगओवर है। जैसे जब हम गीता के वीडियोस बनाते हैं या जैड के वीडियोस बनाते हैं तो मन शांत हो जाता है, और वहीं पर कोई कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मन स्ट्रेस्ड होता है, या कोई भी काम कर रहे हैं, बच्चों को हम समझा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा विचार आ रहा है, वो बताता है कि हम किस तरह से उस एक्टिविटी के साथ अटैच्ड हैं या नहीं अटैच्ड हैं। तो अगर आप एक्टिविटी को करने के बाद या करने के दौरान या करने के पहले भी अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को देखते जाओ तो डिटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही प्रोसेस डिटैचमेंट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ही डिटैचमेंट है देखा जाए तो। दैट इज़ हाउ अ मैन रीचेज द अल्टीमेट ट्रूथ बाय वर्किंग विदाउट एंग्जाइटी अबाउट रिजल्ट्स। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं, अगर कोई आदमी काम करता है विदाउट एंग्जाइटी फॉर रिजल्ट, वो आदमी अल्टीमेट ट्रूथ पा जाता है। देखो कबीर के बारे में ये कहते हैं ना, वो जुलाहा थे, कपड़े बुनते थे, लेकिन वो रिजल्ट्स के बारे में बहुत एंग्शियस नहीं थे कि उस कपड़े का क्या होगा, कौन खरीदेगा, उनको बुनने में अच्छा लगता था। इनफैक्ट वो तो अपने लोगों को बोल देते थे जाओ बेच जाओ, जो उनके यहाँ जमात लगती थी उन लोगों को बोल देते थे कि तुम ही लोग बेच जाओ। खुद जाते थे तो कम पैसा पाते थे, पैसा मिलता था। छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग घर में भी रहते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, माइंड की आदत है हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एंटिसिपेट करता है रिजल्ट्स, इसलिए गुस्सा होता है, उसको मिल जाती है वो रिजल्ट्स तो खुश होता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे एक्टिविटीज़ का, वो रिएक्शंस अगर ख़त्म हो जाते हैं या वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं तब वो फ्रीडम कॉज करते हैं। और फिर गीता में कृष्ण ने जनक का मेंशन किया है कि जनक और बहुत से ऐसे लोग जो कि नॉर्मल हाउस होल्डर की ज़िंदगी जिए हैं, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ किया है इसी स्पिरिट में, ये काम करो फल छोड़ दो, और वो इनलाइटेंड हो गए। जो बड़े बड़े महात्मा तपस्वी तपस्या करके पाए, ये लोग बस रोज़मर्रा की लाइफ में हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके डिटैच्ड होकर के पा गए। और यहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण हमको और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जैसे मैं गाड़ी में बोल रहा था बच्चों के लिए कि आप ये भी सोच करके अपने आप को बाहर से देखो कि अगर कोई मुझे देखता है, हो सकता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप एक बहुत बहुत बड़े ऑफिसर हो और आपके सामने ट्रैफिक लाइट को फॉलो करने की कोई मजबूरी नहीं है, आपके पास लाल बत्ती है जो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से आपको रोका नहीं जाएगा, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो तो आपका देखा देखी दूसरे भी फॉलो करेंगे। ऐसे ही जो आदमी इस दुनिया में पूरी तरह से मुक्त है उसको ये भी देखना होगा कि मुझे देख करके दूसरे अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें। रामायण में एक बहुत फेमस स्टोरी है, पता नहीं कितनी सच क्या है, कि ब्रह्मास्त्र मारा था हनुमान जी को पकड़ने के लिए, तो हनुमान बहुत ताकतवर थे, वो तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्पेक्टफुली उसको अपने आप को बंधने दिया। क्योंकि बच्चे या तो जो भी कॉमन मैन है वो तो हमको देख करके ही अनकॉन्शियसली कॉपी करते हैं, तो उस अनकॉन्शियस कॉपी करने के लिए भी हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलाते समय भाई दूसरों की गलत ड्राइविंग की भी तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज ऑर्डनरी पीपल विल इमिटेट। इसी को गीता में कृष्ण कहते हैं, जो भी ग्रेट लोग करते हैं उसको ऑर्डिनरी लोग समझते नहीं हैं फिर भी इमिटेट करते हैं। कंसिडर मी, आई एम नॉट बाउंड बाई एनी सॉर्ट ऑफ ड्यूटी। और फिर सडनली कृष्ण को एहसास हुआ, अरे मुझे देखो, मुझे कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है। देर इज नथिंग इन द थ्री वर्ल्ड्स विच आई डू नॉट ऑलरेडी पोसेस।
और कहते इस तीनों दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं पा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पता है जब तीन दुनिया की बात करते थे मुझे पहले समझ में नहीं आता था क्या बात है, तो कौन सी तीन दुनिया, फिजिकल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, ये मुझे जनोगा से समझ में आया था। इसके पहले मैं सोचता था, कोई बता रहा था धरती आकाश और पाताल ये तीन दुनिया है, ये भू भूआ सुआ है, पढ़ा है हम लोगों ने जनोगा एडवांस में, ये वो तीन दुनिया। बोलते हैं इस तीनों दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं पा सकता। इफ आई डू नॉट कंटिन्यू टू वर्क अनटायरिंगली एज आई डू मैनकाइंड वुड स्टिल फॉलो मी नो मैटर वेयर आई लेट देम टू। और मान लो अगर मैं बैठ जाऊँ कि भाई भगवान हूँ कृष्ण हूँ, तब धीमे धीमे आदमी मुझे फॉलो करेगा और आलस में चला जाएगा। बोलते अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो बाकी लोग खो जाएंगे। द रिजल्ट वुड बी कास्ट मिक्सचर एंड यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद बड़ी खतरनाक चीज़ आती है, कृष्ण कहते हैं इसके बाद जो होगा उसको बोलते हैं कास्ट मिक्सचर या कहते हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन। कल पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक चीज़ है।